खरगोन जिले के सेगांव में आज स्थानीय चौकी प्रांगण में प्रभारी तहसीलदार और ग्राम के जनप्रतिनिधियों शांति समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आगामी त्योहारों को देखते हुए बैठक आयोजित की गई, जिसमें राकेश बर्डे, टीआई सुनीता मुजालदे, बीएमओ मनीषा मंडलोई, चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया मौजूद थे। इस दौरान प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे ने बैठक में आम जनता और व्यापारियों से अपील की है कि कोरोना वायरस का संकट पुनः बढ़ने लगा है, लगातार केस बढ़ रहे हैं, हमें सतर्क रहना है। आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए प्रशासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन आवश्यक रूप से करना है। वहीं बीएमओ मनीषा मंडलोई ने कोरोना टीकाकरण कराने को लेकर जनता से अपील की है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। गृह विभाग की जो गाइडलाइन थी उसमें भी होली पर्व भंगोरिया जो है, देर मिलन समारोह वगैरह सारे इन पे प्रतिबंध हैं, तो हमको उसका पालन करना है। और जैसे कोई ढोल वोल तो यहाँ अपने सेगांव में पिछले तो 5-6 साल से बंद हो गए हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो उसका भी इशू था। वो आते थे रैली वेली लेके। शांति समिति की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, जैसे कि बढ़ते कोरोना के पेशेंट को देखते हुए गृह विभाग और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के द्वारा जो बैठक हुई थी उसके जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसी के पालन में हम लोग जो है आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आज बैठक रखी थी। उसमें सभी गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और निर्देशों का पालन करने का मतलब अपील की गई। सर, आगामी त्योहारों को देखते हुए क्या क्या गाइडलाइन प्रशासन की ओर से आई है? प्रशासन की तरफ से तो ये है कि जो जैसे होली उत्सव जो है सामने है, भंगोरिया उत्सव है, उसमें जो है भंगोरिया में गेर और जो ढोल मांदल वगैरह जो है वो बड़े स्तर पे बिल्कुल प्रतिबंधित है। यदि कोई ज़्यादा ही इच्छुक है तो गांव मोहल्ले तक ही सीमित है, वो रैली के रूप में ऐसा नहीं निकल सकते हैं। और होली में भी मिलन समारोह और गेर वगैरह इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।